टी20 वर्ल्ड कप 2021 के वार्म अप मैचों में टीम इंडिया ने जोरदार खेल दिखाया। इंग्लैंड को पटखनी देने के बाद विराट की सेना ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भी भारी पड़ी। दोनों ही मुकाबलों में टीम के बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। केएल राहुल, ईशान किशन, रोहित शर्मा तीनों के बल्ले से वार्म अप मैचों में रन निकले। इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजों का प्रदर्शन जरूर फीका रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय बॉलर्स ने भी अपना जलवा दिखाया। खिलाड़ियों के इस दमदार खेल ने विराट कोहली और मेंटोर धोनी के सामने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किन 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा जाए, इसको लेकर टीम मैनेजमेंट को काफी सोच विचार करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में टॉस के समय विराट कोहली ने कह तो दिया था कि रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे, लेकिन उसी मुकाबले में ईशान किशन ने जिस तरह से गदर मचाया उसने कोहली को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। राहुल का आईपीएल 2021 बल्ले से काफी शानदार रहा और दोनों ही वार्म अप मैचों में भी उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन विराट और माही के सामने समस्या ये है कि ईशान के इस प्रदर्शन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोहली के सामने दूसरी समस्या ये है कि वार्म अप मैचों में हार्दिक पांड्या को ज्यादा बैटिंग करने का मौका नहीं मिला और जितनी देर वो क्रीज पर रहे भी तो कुछ खास टच में नहीं दिखे। हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर रहे और माना जा रहा है कि वो बतौर फिनिशर टीम में खेलेंगे। अगर हार्दिक को बतौर बल्लेबाज ही टीम में खिलाना है तो फॉर्म को देखते हुए ईशान किशन उनसे ज्यादा बेहतर विकल्प दिखाई दे रहे हैं, यानी प्लेइंग 11 से हार्दिक का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ भुवनेश्वर कुमार ने दिल खोल कर रन लुटाए थे और अपने 4 ओवर में 54 रन दिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस तेज गेंदबाज ने जबरदस्त कमबैक किया और अपने 4 ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर स्टीव स्मिथ का विकेट भी अपने नाम किया। ऐसे में विराट को सोचना होगा कि भुवी के अनुभव पर दांव लगाया जाए या फिर शार्दुल की हालिया फॉर्म को देखते हुए उनको प्लेइंग 11 में मौका दिया जाए।